वाह, कितने खूबसूरत कपड़े हैं! और ये ज्वेलरी, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ पूजा के ससुराल वाले ये सब चीजें लेकर आए। तो ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीजें भेजी हैं उन्होंने। अच्छा पुरिया, ये कुछ कपड़े मैं परी के लिए लेके आई हूँ, उनको संभाल लेना। लेकिन हुरिया को ये सब चीजें नहीं अच्छी लग रही। पुरिया ऐसे नहीं करते, उन्होंने इतने प्यार से, इतने मान से ये चीजें भेजी हैं, आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आ जाओ परी, चलो आपके रूम में चलते हैं। आ जाओ। अम्मा, इतनी जल्दी सब इंतजाम कैसे होंगे? और अभी जैनब की तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं भी अपने कामों में मसरूफ हूँ। बेटा, लेकिन इन हालात में यही मुनासिब रहेगा। और हमारे पास वजह भी क्या है देर करने की? चार लोग उनकी तरफ से आएंगे, चार हमारे होंगे, सादगी से निकाह हो जाएगा। ये भी तो सोचो, हुरिया फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेगी। बेटा चलें ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो यही बेहतर है। अब तो माशाल्लाह से जैनब की भी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने यही कहा है ना कि चलना फिरना इसके लिए अच्छा है, तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी तो इसका दिल भी बहल जाएगा। अम्मा, इस शोर शराबे को आप रौनक का नाम मत दें। जैनब को एक पुरसकून माहौल की जरूरत है जो उसे नहीं मिल पा रहा। मुझे अंदाजा है तुम्हारा किस बेसुकूनी की तरफ इशारा है। फिक्र मत करो, कल तक वो भी चली जाएगी। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि उन लोगों ने कोई मुतालबा नहीं किया। थोड़े पैसों में सारे इंतजाम हो जाएंगे। अम्मा, मेरे पास तो जितनी सेविंग्स थी सारी हॉस्पिटल में लग गई, मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है। अब आप एनी आपा से पूछ लें और जो रकम वो देती है उसमें मैनेज कर लें। बहन की शादी और भाई के पास पैसे नहीं है? फैराम कुछ तो ख्याल करो बेटा। अम्मा, सारी जिंदगी मैं कमा कमा के आपको पैसे देता रहा, आपने कोई बचत नहीं की। अब मेरी अपनी फैमिली है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अम्मा, वो मैं कह रही थी कि फरुख भाई अच्छी खासी रकम छोड़ के गए हुरिया के लिए, वो अपने अखराजात तो खुद उठा सकती है ना। वो रकम परी के मुस्तकबिल में उसके काम आएगी। मैं तो हुरिया को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी उन पैसों को। रहने दो तुम, मेरी बेटी है ना, मैं कर लूंगी बंदोबस्त।